सरस्वती नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः मातृपित्रे चरण कमलेभ्यो नमः वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायकं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तं मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर् जुहाव पुत्रीति तन्मयतया तरवोभिनेदुतं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। किरीटके महारहनिष्कै मन्युतमालङ्कृतसर्वगात्रं पीताम्बरं काञ्चनचित्रनद्यं मालाधरं केशवं अभ्युपेमि। कान्तिः सीता मृषति निन्दितशारदेन्दु यत्रैकतो विलसितां सीताङ्गशोभां वृन्दावने अभिकीर्त्या मुनगाङ्गसङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। कृष्णप्रेममयी राधा राधा प्रेम ममयो हरि। जीवने धने नित्यं श्री राधा कृष्णं गते मम। जीवने धने नित्यं श्री राधा कृष्णं गते मम। कृष्णस्य द्रविणं राधा राधाया द्रविणं हरि। जीवने निधने नित्यं श्री राधा कृष्ण गते मम जीवने निधने नित्यम श्री राधा कृष्ण गते मम कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि जीवने निधने नित्यम श्री राधा कृष्ण गते मम नीलांबर धरा राधा पीतांबर धरो हरि जीवने धने नित्यम श्री राधा कृष्ण गते मम जीवने निधने नित्यम श्री राधा कृष्ण गते मम सब द्वारन को छोड़कर मैं आया श्री जी के द्वार और शेभानु की लाडली नक मेरे ओर निहां और शेभानु की लाडली नक मेरे ओर निहां राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जो को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास जय राधी जय राधी राधी जय राधी जय श्री राधी जय राधी जय राधी राधी जय राधी हरि हरी श्री राधे। नास विहार ने रस विस्तार ने प्रिय और धारणी प्यारी श्री राधे। नवल त्रिभंगी श्याम सुअंगी प्यारो श्री कृष्ण। नव नव रंगी नवल त्रिभंगी श्याम सुअंगी प्यारो श्री कृष्ण। प्राण प्यारी रूप जियारी अति सुकुमारी प्यारी श्री राधे। प्राण प्यारी रूप उजियारी अति सुकुमारी प्यारी श्री राधे। मैंने मनोहर महामोद कर सुंदर बरतर प्यारो श्री कृष्ण। नैन मनोहर महामोदकर सुंदर बरतर प्यारो श्री कृष्ण। शोभा श्रेणी मोभा मैनी कोकिल बहनी प्यारी श्री राधे। शोभा श्रेणी मोभा मेनी कोकिल बेनी प्यारी श्री राधे। कीर्तिवंता कामिनी कंता श्री भगवंता प्यारो श्री कृष्ण। कीर्तिवंता कामिनी कंता श्री भगवंता प्यारो श्री कृष्ण। चंदावतनी कुंदारतनी शोभा सदनी प्यारी श्री राधे। चंदावतनी कुंदारतनी शोभा सजनी प्यारी श्री राधे। पर मैं उदारा प्रभा पारा अति सुकुमारा प्यारो श्री कृष्ण। पर मैं उदारा प्रभा पारा अति सुकुमारा प्यारो श्री कृष्ण। हंसाग मैनी राजत रमनी क्रीडा कमनी प्यारी श्री राधे। हंसाग मनी राजत रमनी क्रीडा कमनी प्यारी श्री राधे। रूप रसाला नयन विशाला परम कृपाला प्यारो श्री कृष्ण। रूप रसाला नयन विशाला परम कृपाला प्यारो श्री कृष्ण। कंचन वेली रति रस रेली अति अरबेली प्यारी श्री राधे। कंचन बेली रति रस रेली अति अलबेली प्यारी श्री राधे। सब सुख सागर सब गुण आगर रूपे उजागर प्यारो श्री कृष्ण। सब सुख सागर सब गुण आगर रूपे उजागर प्यारो श्री कृष्ण। रमणी रम्या सरोतर तम्या गुणिया रम्या प्यारी श्री राधे रमणी रम्या तरुतर तम्या गुणिया गम्या प्यारी श्री राधे धाम निवासी प्रभा प्रकाशी सहज सुहासी प्यारम श्री कृष्ण धाम निवासी प्रभा प्रकाशी सहज सुहासी प्यारो श्री कृष्ण शक्त्याहलादिनी अति प्रियवादिनी प्रियने मादिनी प्यारी श्री राधे सत्यहलादिनी अति प्रिय वादिनी उर्योदवादिनी प्यारी श्री राधे अंगे अंगे टोना सरस सलोना सुबह सुठोना प्यारो श्री कृष्णा अंग अंग टोना सरस सलोना सुबह सठोना प्यारो श्री कृष्णा राधा नामिनी गुण अभिरामिनी हरि प्रिय स्वामिनी प्यारी श्री राधे राधा नामिनी गुण अभिराम हरि प्रिय स्वामिनी प्यारी श्री राधे हरे 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 श्री कृष्णा हरे 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 श्री कृष्णा जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्ण जय जय राधे 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 के 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 जय जय राधे 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 के जय राधे राधे राधिके जय जय राधे राधे राधिके जय राधे राधे राधिके जय 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 राधे राधे राधिके जय राधे राधे हाथ ऊपर उठा के जय जय राधे 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 के जय जय राधे 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 के जय जय राधे 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 के जय राधे 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 के जय जय राधे 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 के जय राधे 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 के जय जय राधे 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 के राधे 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 के जय राधे 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 के जय राधे 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 राधिके जय जय राधे राधे राधिके जय जय राधे राधे राधिके राधे राधे राधिके जय जय राधे राधे राधिके राधे राधे राधिके जय जय राधे राधे राधिके राधे राधे राधिके जय जय राधे राधिके। नाग चुकिया न कह सकूं, नाग चुकने योग्य जोग चुकिया हरि आपने, हरि आप ही कारण योग्य जोग चुकिया हरि आपने, हरि आप ही करने योग्य। ब्रजलता तरु बैठ कर पल भर करूं विश्राम, ब्रजरज मुख में डार कर सब बोलो श्री राधेशम, सब बोलो श्री राधेशम, सब बोलो श्री राधेशम। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म चिदानंद आनंद कंद ब्रज जन्नंदन देवकी नंदन वसुदेव नंदन मुकुंद भगवान श्री कृष्ण, जिनके संग श्री किशोरी जो युगल छवि के श्री चरणों में हम सबका कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। उनसे हमारी प्रार्थना के सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में वो अपना स्थान ग्रहण करें। इस स्थान के आदि देवता भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, जिनके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। उनसे हमारी प्रार्थना के सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में वो अपना स्थान ग्रहण करें। सभी देवी देवताओं के श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। सबसे हमारी प्रार्थना के सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में सब अपना स्थान ग्रहण करें। इस स्थान के ग्राम देवता, स्थान देवता, क्षेत्रपाल देवता सबको प्रणाम करते हुए सभी से हमारी प्रार्थना के सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में सब अपना स्थान ग्रहण करें। सभी संत वृंद, आचार्य वृंद, ब्राह्मण वृंद सबको प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी भाइयों, बहनों, माताओं व मेरे भगवान गोविंद के बाल स्वरूप उन बालकों के मन हृदय मंदिर में विराजमान श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए बोलो श्री सर्वेश्वर भगवान की, श्री राधा माधव भगवान की, श्री निम्बारक भगवान की, श्री स्वामी जी महाराज की, जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, बोलो भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, जुगल जोड़ी सरकार की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा भगवान श्री मुकुंद जिनकी अहेतुक कृपा आज हम सब के ऊपर हुई और इसी कृपा के अनुगत परिणाम को मानते हुए हम और आप सब किशोरी जी के गोद में आज यहाँ पर आकर विराजमान हुए। बंधुओं, धन्य है यह भागवती वार्ता और धन्य है यह भागवत धर्म कि जिसके शरणागत होकर जीव किशोरी जी के चरणों का कृपा पात्र बन जाता है, दास बन जाता है। बड़े भाग्य मानुष तन पायो, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गायो। कि न जाने कितने जन्म जन्मांतरों के तप करके यह मनुष्य देह हमें प्राप्त हुई और इस मानव देह को प्राप्त करके भी मानो जिसने अपने जीवन को सदग्रंथों में ना लगाया, भगवत चरणों में ना लगाया, जिसने अपने जीवन में भक्ति मार्ग को ना अपनाया, तो मानो फिर उसने हाथ में आए हुए अमृत कलश को यूं ही भूमि पर गिरा दिया हो, ऐसा मानो प्रतीत होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा सदग्रंथ है कि जिसके शरणागत होकर पापी से पापी जीव भी मानो भवसागर से पार उतर सकता है। ऐसी महिमा श्रीमद् भागवत महापुराण की है। अत्यधिक महिमा गाई गई भागवत के विषय में। महात्म्य का बड़ा प्यारा एक श्लोक है। श्रीमद् भागवतम पुराणम पुराणं लोक विश्रुतम शृणुया श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणं मम संतोष कारणं। कि लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धायुक्त होकर अगर जीव पाठ करे, इसका स्मरण करे, इसका निधि ध्यासन करे, इसके शरणागत हो, तो भगवान कहते हैं केवल यही एकमात्र मेरे संतोष का कारण हो सकता है। कि दुनिया को संतोषित करने के लिए हम क्या क्या नहीं करते प्यारे, संसार को रिझाने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। जिसको हम अपना मानते हैं उसको अपना बनाने के लिए न जाने क्या क्या उपहार, क्या क्या गिफ्ट हम उसको देते हैं, संसारी को देते हैं, संतोषित करने की कोशिश करते हैं। परंतु मेरे प्यारे, जिसे भगवान को संतोषित करना हो ना, जगत को बनाने वाले को जिसको प्रसन्न करना हो, तो कहते हैं भगवान को प्रसन्न करने का केवल एकमात्र संसाधन भगवान की ही कथा का श्रुति फल है। अर्थात भगवान की कथा को सुन के ही हम भगवान को संतोषित कर सकते हैं। भगवान को प्रसन्न करने का अन्य कोई साधन नहीं। जप तप नियम, निधि ध्यासन ध्यान, ये साधन हो सकते हैं, परंतु साध्य तो केवल भागवत कथा है, साध्य तो केवल भागवत कथा है। इसलिए सदमार्ग का पथिक इस भागवत के मार्ग का अनुसरण करता है। भागवत मार्ग का अनुसरण करके वो अपने जीवन को कृतकृत्य बनाता है, धन धन्य बनाता है। तभी तो महात्म्य के श्लोक में बड़ी प्यारी बात कही गई। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानज फलम् कपिलादान। बड़ा सुंदर भाव है प्यारे कि दुनिया से जोड़ने के लिए तो दुनियावी आपको बहुत मिल सकते हैं, परंतु कोई प्यारा ही होगा जो आपको भगवान के नाम से जोड़ देवे। भगवान से प्रेम करने वाला ही कोई आपको प्रभु से जोड़ सकता है। महिमा गाई गई इस भजन में बड़ी सुंदर है। संत दर्श के बड़े महात्म, 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 दुर्लभ जग में संत समागम, 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 मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले, श्री राधे भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भक्त नहीं मिलता, भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत पथ नहीं मिलता, मेरा मन रोके नहीं रुकता, 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 मेरे मन के रोके घोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के रोके घोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के रोके घोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के रोके घोड़े ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, हाँ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरे तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे तार प्रभु संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, सब गाई राधे गुरु भाग्य मेरे संगे, माया से जो दूर हटावे, 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 मन में ज्ञान का दीप जलाए, मन में ज्ञान का दीप जलाए, ज्ञान का दीप जलाए, मन में ज्ञान का दीप जलाए, कुछ सद्गुण देवे थोड़े ऐसा कोई संत मिले, कुछ सद्गुण देवे थोड़े ऐसा कोई संत मिले, मुझे सद्गुण देवे थोड़े ऐसा कोई संत मिले, कुछ सद्गुण देवे थोड़े ब्रह्मचारियों की सेवा करते हो, ये दोनों हाथ ऊपर उठा राधे। भक्ति पथ पर मुझे चलाए, भक्ति पथ पर मुझे चलाए, भक्ति पथ पर मुझे चलाए, भवतारण की राह बतावे, भवतारण की राह बताए, भवतारण की राह बतावे, भवतारण की राह बताए। मेरी बाह पकड़ना छोड़े ऐसा कोई संत मिले, 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 मेरी बाह पकड़ना छोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरी बाह पकड़ना छोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे तार प्रभु संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, 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 कोई संत मिले, ऐसा 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 कोई संत मिले। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, मेरा मन रोके नहीं रुकता, मेरा मन रोके नहीं रुकता, मेरे भटके मन को रोके ऐसा कोई संत मिले। कि प्यारे, इस जगत में अगर सबसे तेज गति किसी वस्तु की है तो वो केवल मन की है। ये जो मन के घोड़े हैं ना, बस ये रुक जाएं हमारे, जीवन हमारा धन्य बन जाएगा, कृतकृत्य बन जाएगा। इसलिए बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी कवि ने, इस पे हम चर्चाएं करेंगे प्रतिदिन। आज तो महात्म्य का भी महात्म्य है, प्रारंभ है कथा का। इसलिए बंधुओं, माया से जो दूर भगाए, मन में ज्ञान का दीप जलाए, मुझे सद्गुण देवे थोड़े थोड़े, ओ मुझे सद्गुण देवे थोड़े ऐसा कोई संत मिले। अवगुण तो दुनिया बहुत देती है प्यारे। हाँ, सीखता है मानव बड़ी जल्दी, बुरी चीजों को जल्दी सीखता है, अच्छी को थोड़ा देरी से सीखता है। हाँ, बुरी बात बड़ी जल्दी पकड़ता है मानव, ये प्रवृत्ति है मानव की। हाँ, अच्छी बात इतना जल्दी नहीं पकड़ता। कुछ बुरा घटित हो रहा हो ना, वहां पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है, ये संसार का नियम है। परंतु जहां पे कुछ अच्छा हो रहा हो वहां पे कोई रुक जाए, ये बड़ी बात है प्यारे। मन का ठहराव कहाँ हो सकता है। कहते हैं डोलते हुए जल में जैसे हम अपना चेहरा नहीं देख पाते, ठीक उसी प्रकार से डोलते हुए मन में भी हम अपने ठाकुर को नहीं बिठा सकते। वो ठहरा हुआ जल रुक जाए तो हम चेहरा देख लें, और ये डोलता हुआ मन रुक जाए तो इसमें ठाकुर बैठ जाए। जीवन में जिसे ज्यादा ठोकरें मिली ना प्यारे, बस उसे ही तो ठाकुर मिलता है। दुखों से अगर चोट खाई ना होती सांवरे, फिर मुझे तेरी याद आई ना होती। जब तक थपेड़े नहीं पड़ते जीवन में दुखों की, तब तक ठाकुर ना मिले प्यारे। इसलिए ये सद्भाव है जीवन का, ये भक्ति है जीवन की, कि हमारा जीवन येन केन प्रकारेण भगवत चरणों में लग जाए, भगवत चरणों में लग जाए। भक्ति पथ पर मुझे चलाए, भक्ति पथ पर मुझे चलाए, भवतारण की राह बतावे। ओ मेरी बाह पकड़ना छोड़े, मेरी बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। पकड़ के तो जो छोड़ दे वो संसारी हो सकता है, और ठाकुर कहते हैं पूतना गरी मैया। हाँ, मेरा स्वभाव है साधारणतः मैं जीव का हाथ पकड़ता नहीं। हाँ, 6 दिन के बालक को ज्यादा पता नहीं होता। हाँ, भगवान कृष्ण 6 दिन के ही तो थे। हाँ, अब छोटा सा बालक उंगली पकड़ ले, छुड़वानी बड़ी मुश्किल है जाती है। हाँ, और वो पकड़ तो मेरे ठाकुर की है। हाँ, पूतना को हाथ पकड़े हो मेरे ठाकुर ने। हाँ, पूतना छुड़ाने की बड़ी कोशिश करे महाराज, छोड़ दे रे ठाकुर छोड़ दे, छोड़ दे। ठाकुर कहे मैया साधारणतः मैं हाथ पकड़ता नहीं, और अगर पकड़ लूं तो फिर मैं छोड़ता नहीं। तभी तो स्वभाव भजन में लिखा कि मेरी बाह पकड़ना छोड़े। चाहे वो भगवंत लगा लो या संत लगा लो। हाँ, अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास ने ये बात ऐसी ही नहीं लिख दी प्यारे। हाँ, तो सत्य है। अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, जब दृढ़ विश्वास हो गया भक्ति पथ के ऊपर, भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास हो गया। हाँ, तब कही ये बात गोस्वामी तुलसीदास ने, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। भगवान की कृपा के बिना ना तो भगवान मिलते, ना संत मिलते, और ना ही संतों के मुख से बहते हुए ये भागवत मिलते। इसलिए प्यारे, मेरी बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। सुंदर पंक्ति लिख दी। संत दर्श के बड़े महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम। संत दर्श के बड़े महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत दर्श के बड़े महात्म, कहते हैं संत और तीर्थ ये बहती हुई गंगा है प्यारे। हाँ, इनका दर्शन मात्र करने से जीवन की अग समाप्त है जाती है, पाप समाप्त हो जाते हैं। अगमाने पाप, हाँ, बुराइयां। हाँ, महापुरुष बड़ी सुंदर बात कहा करते थे। कोई बड़े बुजुर्ग पहले कुंभ का, गंगा जी का, जमुना जी का स्नान करके आया करते थे। हाँ, तो हम क्या किया करते थे, हम सब अपने बुजुर्गों के दौड़ के पांव छुआ करते थे। कोई पड़ोसी भी अगर किसी तीर्थ का स्नान करके आता था, उसको दर्शन करने को, उसको चरण छूने को हम दौड़ते थे। क्यों? क्यों? क्योंकि कहते हैं जो तीर्थ का दर्शन करके, तीर्थ का स्नान करके आता है ना, तो वो वहां की शक्तियों को सजो के लाता है। हाँ, वहां की शक्तियों को एकत्रित करके लाता है। वो सारी शक्तियां, तीर्थ की शक्ति कोई सामान्य शक्ति नहीं, उन शक्तियों को संजो के लाता है। और ये जो भागवत की महिमा है ना, ये तीर्थ से कम नहीं। इसलिए बड़ी सुंदर बात कही कि संत दर्श के बड़े महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम। संत समागम हरि कथा तो दुर्लभ जगमाही। तुलसीदास जी कहते हैं ये बात बार बार। हाँ, संत समागम और हरि कथा, जीवन में ये दो मिल जाएं बस प्यारे। फिर अन्य अन्य और किसी वस्तु की आवश्यकता ना रह जावे। ओ मेरे भटके मन को रोके ऐसा कोई संत मिले। बड़ी व्यापक महिमा है प्यारे। अच्छा देखो, आइए एक विषय, आज का हमारा जो मुख्य विषय है इस संत समागम हरि कथा का, वो विषय है कलश यात्रा का। ये भागवत का महात्म्य सुन रहे हो आप सूक्ष्म रूप में, विस्तृत कल सुनोगे। हाँ, कि कलश जो हम धारण करके चले हैं, हाँ, कहां से? स्थान से, घर स्थान से यहां तक चले। हाँ, कहते हैं कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः, मूले त्वष्ठस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणः समृतः। देखो, सबसे बड़ी बात तो कलश का मतलब क्या है? कुंभ। हाँ, अभी कुंभ लगा हुआ है ना, अभी कुंभ चल रहा है ना प्रयागराज जी में। तो सबसे पहले तो वो कुंभ ही कलश है। हमारे सनातन की मर्यादाओं के अनुसार कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख में भगवान विष्णु का स्थान होता है। मुख कैसा होता है? विष्णु तुल्य कलश का। कंठे रुद्र समाश्रितः, कंठे रुद्र स्वयं रुद्र शिव जिसके गले में स्थापित है जय। मूले त्वष्ठस्थितो ब्रह्मा, तो मूल में स्वयं ब्रह्मा जी का निवास हो जाए। मध्य मातृगणः समृता, कई जगह 64 देवियों, देवी भागवत में वर्णन है 64 देवियों की उपासना का। दुर्गा सप्तशती में नवदुर्गा का वर्णन है। मध्य मातृगणः समृतः, वो सारी देवियां उस कलश में स्थापित हो जाती हैं। और कलश क्या है? कुंभ। कलश में जो जल है वो किसका प्रतीक है? जल माने वरुण। और आपके लिए तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, मैं परसों ही प्रयागराज स्नान करके यहाँ पहुंचा और वो जल साथ में लाया था। उस जल को, जितने कलश आप धारण करके चले, वो कलश स्वयं लेके, वो जल स्वयं लेके यहाँ पहुंचे और वही जल आपके कलशों में डला। और उस वरुण देवता को, जल किसका प्रतीक है? वरुण देवता का। कई लोग कह रहे थे महाराज ठंड लगवा बैठे, खा कर आओ जाके प्रयागराज। हाँ, गला बैठ गए हो, कथा कैसे करोगे? ये भी भगवत कृपा है, ये गला कथा करते करते अपने आप ठीक हो रहा है। ये प्रयागराज जी की, ये भागवत की महिमा है। वो जल किसका प्रतीक है? वरुण देवता का। वरुण रूपी उस कलश में जो जल है, और उसमें क्या मिला है? सुपारी फल मिलो है, अखंड फल, उसके ऊपर क्या है, आम्र पत्ते, आम के पत्ते। सनातन में हमारी वैदिक पूजा पद्धति जहां से प्रारंभ होती है, उन पत्तों के बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं होता। और उसके ऊपर है श्रीफल, अखंड फल। कौन सा फल? नारियल फल। किसी को कोई आशीर्वाद देना हो, हमारे सनातन में हिंदू रीति में किसी को संकल्प देना हो, महाराज किसी को आशीर्वाद देना हो, एक भागवती भागवत कथा कराने के लिए एक परिवार आया, कहा महाराज जी ये आपको नारियल दे रहे हैं, हमारी कथा कर दियो। कहा का लेते हो महाराज जी कथा करने का? हमने कहा नारियल दे जाना, नारियल से बढ़िया क्या हो सकता है। और वो नारियल किसी को, किसी के घर में पुत्र की प्राप्ति ना हो रही हो, संत के द्वारा वो नारियल झोली में डाल दिया गया महाराज। हाँ, तो वो श्रीफल, वो अखंड फल, जिसका कभी खंडन ना हो सके, वो है नारियल। ऐसे शुभ मंगल कलश को सिर के ऊपर धारण करके जब माताएं भागवत की कथा में पग पग के ऊपर चलती हैं, एक एक पग के ऊपर, और अवसर भी तो देख लो कितना सुंदर है, सोने पे सुहागा। का महाराज एक तो भागवत कथा, ऊपर से कुंभ का सुंदर समय, तीसरे माघ मास, चौथे बसंत पंचमी के ऊपर, पांचवें गुप्त नवरात्रि। बताओ ऐसे शुभ समय पे इतना शुभ कलश लेके जब पग पग पे माताएं चलेंगी महाराज, तो अश्वमेघ यज्ञ का फल तो पग पग पे ही प्राप्त होता है। ऐसी महिमा कलश की है प्यारे। करोड़ों देके भी इसकी कीमत की पूर्ति नहीं हो सकती, इसकी पूर्ति दुनिया का सारा खजाना खर्च करके भी नहीं हो सकती प्यारे। ये महिमा है कलश की। इसलिए पग पग पे जो आप माताएं यहाँ चली हो ना, जो जो कष्ट हुआ, हम तो रथ में बैठे थे, हम देख रहे थे कि हम तो रथ में बैठ के बड़े आराम से जा रहे हैं, इन माताओं को कितना कष्ट हो रहा होगा, चुभन भी हो रही होगी पाँव में, कंकड़ियाँ न जाने क्या क्या चुभ रही होंगे पाँव में, फिर भी चल रही हैं कलश लेके सिर के ऊपर। हाँ, कोई गांव की माताएं तो हैं नहीं, शहरी हैं सारी, कैसे लेके चल रही होंगी, सोच रहे थे। परंतु हम सोच रहे थे कि ये ठाकुर की कृपा है इनके ऊपर, ये भगवान की कृपा है। इसलिए इस मंगल कलश यात्रा में आज आपने जो अपना भाव भी अर्पित किया ना, कलशों की सेवा जो दी सभी माताओं ने, ये सारी की सारी सेवा गुरुकुल के लिए दी है आपने। ये सेवा हमारे पास इकट्ठी करके परिवार ने पहुंचा दी है ऊपर, परिवार के ओर से इसमें कुछ नहीं। ये इन्होंने कहा महाराज जी ये जितनी सेवा है ना, ये गुरुकुल के लिए, हम चाहते हैं कुछ सेवा बाहर से हो, सभी से हो जाए। और इस कुंभ को देख के, इस कलश को देख के तो हमारा हृदय इतना प्रसन्नचित्त हो गया कि कितना सुंदर कलश बनाया गया है यात्रा के लिए। तो इसलिए धन धन्य है ये परिवार, और धन धन्य है आप सब कि जिन्होंने इस कलश को धारण करके पग पग के ऊपर भागवत की आज ये कलश यात्रा की। इसलिए धन्य है ये भागवती वार्ता, और धन्य है ये भागवत धर्म प्यारे, जिसके शरणागत होके हम और आप सब आज श्रीमद् भागवती कथा के महात्म्य के इस महात्म्य को श्रवण कर रहे हैं। ऐसा कह के कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंदे गोविंदे राधे गोविंदे गोविंदे कृष्ण गोविंदे गोविंदे राधे गोविंदे गोविंदे कृष्ण गोविंदे गोविंदे राधे गोविंदे गोविंदे कृष्ण गोविंदे गोविंदे Hare Govinde Govinda Krishna Govinde Govinde Radhe Govinde Govinde Krishna Govinde Govinde Radhe Govinde Govinde Krishna Govinde Govinde Radhe Govinde Govinde Radhe Govinde Govinde Krishna Govinde Govinde Radhe Govinde Govind Krishna Govind Govind Radhe Govind Govind Krishna Govind Govind Radhe Govind Govind Krishna Govind Govind Krishna Govind Govind Radhe Govind Govind Krishna Govind Govind Radhe Govind Govind Govinda Govinda Radhe Govinda Govinda Krishna Govinda Govinda Radhe Govinda Govinda सब गाइए तालियों की सेवा करते हुए राधे Radhe Govinde Govinde Krishna Govinde Govinde 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 Radhe Govinde Govinda Krishna Govinde Govinda Radhe Govinde Govinda Krishna Govinde Govinda Radhe Govinde Govinda Radhe Govinde Govinda Krishna Govinde Govinda Radhe Govinde Govinda Krishna Govinde Govinda Radhe Govinde Radhe Govinda Govinda Krishna Govinda Govinda Krishna Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe Govinda 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 Krishna Govinda Krishna Govinda Govinda Radhe Govinda Govinda Radhe Govinda Govinda Krishna 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 Govinda Govinda Radhe Govinda Govinda भगवान की जय आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्रीमद् भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। जय अमर ग्रंथ जय मुक्ति पंथ जय पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम जही हरि ध्यान जही हरि नाम जही हरि ध्यान जही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। जय सुख करनी जय दुख हरनी जय सुख करनी जय दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। जय मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम जही घनश्याम जही श्री राम जही घनश्याम जही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। बोलो व्यास जी महाराज की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायक। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तं अनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुः पुत्री दिदन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। किरीटगये महारहनिष्कै मन्युतमालंकृत सर्वगात्रं पीताम्बरं काञ्चनचित्रनद्यं मालाधरं केशवम् अभ्युपेम। कान्तिः सीता मृषति निन्दितशारदेन्दु यत्रेकतो विलसितां सीतांगशोभां वृन्दावने अभिहृदयामुनगाङ्गसङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। कृष्णं नारायणं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे पृथासुतं। सर्गस्थिति निरोधार्थं कामकाममयो हि यः तं कामं कामकामग्नं कामाभावाय कामये। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्तकृपालोका लोकामुक्ता कलेर्ग्रहात्। श्रीधरं वन्दे श्रीधरैक परायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतिः कृता। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्री भागवतीं गाथा वन्दे युगल रूपिणी। कृष्ण प्रेम मयि राधा राधा प्रेम मयो हरि जीवने निधने नित्यं श्री राधा कृष्ण गतिर्मम। नीलाम्बे धरा राधा पीताम्बे धरो हरि जीवने निधने नित्यं श्री राधा कृष्ण गतिर्मम। जीवने निधने नित्यं श्री राधा कृष्ण गतिर्मम। सब द्वारन को छोड़कर मैं आया श्री जी के द्वार और ऋषभानु की लाडली न कमेरी निहा और शैतान की लाडिनी नक मेरी ओर निहा। बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम जिनके युगल चरणन में मेरो बारंबार प्रणाम जिनके युगल चरणन में मेरो कोटि कोटि प्रणाम। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। श्यामा गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी प्यारी श्री राधे। श्यामा गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी प्यारी श्री राधे। रसिक रसीलो चले छबीलो गुण गरीबीलो प्यारो श्री कृष्ण। रसिक रसीलो चले छबीलो गुण कर मिलो प्यारो श्री कृष्णा रास विहारिणी रस विस्तारिणी पियर धारिणी प्यारी श्री राधे रास विहारिणी रस विस्तारिणी पियर धारिणी प्यारी श्री राधे नवे नवे रंगी नवल त्रिभंगी श्याम सुअंगी प्यारा श्री कृष्ण नव नव रंगी नवल त्रिभंगी श्याम सुभंगी प्यारो श्री कृष्ण प्राण पिया अति सुकुमारी प्यारी श्री राधे प्राण प्यारी रूप जयारी अति सुकुमारी प्यारी श्री राधे मैंने मनोहर महामोद सुंदर बरतर प्यारो श्री कृष्णा शोभा श्रीनी मोभा मैनी कोकिल बैनी प्यारी श्री राधे शोभा श्रीनी मोभा मैनी कोकिल बैनी प्यारी श्री राधे कीरति वंता कामिनी कंदा श्री भगवंता प्यारो श्री कृष्णा कीरति बनता काम निकलता श्री भगवंता प्यारो श्री कृष्णा चंदावतनी कुंदार देनी शोभा सदनी प्यारी श्री राधे चंदावदे कुंदारदे शोभा सदनी प्यारी श्री राधे परम उदार प्रभापार अति सुकुमारा प्यारो श्री कृष्ण सुकुमारा प्यारो श्री कृष्ण हंसागमनी राजत रमनी क्रीडागमनी प्यारी श्री राधे हंसागमनी राजत रमनी क्रीडागमनी प्यारी रसाला नयन विशाला परम कृपाला प्यारो श्री कृष्णा रूप रसाला नयन विशाला परम कृपाला प्यारो श्री कृष्णा कंचन वेणी रति रस अतियल बेनी प्यारी श्री राधे कंचन बेनी रति रस रेनी अतियल बेनी प्यारी श्री राधे सब सुख सागर सब गुण आगर रूप उजागर प्यारो श्री कृष्ण सब सुख सागर सब गुण गागर रूप उजागर प्यारो श्री कृष्ण। गम्या गुणया गम्या प्यारी श्री राधे रमणी रम्या तरु तरताम्या गुणया गम्या प्यारी श्री राधे धाम निवासी प्रभा प्रकाशी सहज सुहासी प्यारो श्री कृष्ण निवासी प्रभा प्रकाशी सहज सुहासी प्यारो श्री कृष्ण शक्याहलादिनी अति प्रियवादिनी रियने मादिनी प्यारी श्री राधे शक्ति हलादिनी अति प्रियवादिनी उन्मादिनी प्यारी श्री राधे अंगे अंगे टोना सर से सलोना सुबग सुठोना प्यारा श्री कृष्ण अंगे अंगे टोना सर से सलोना सुबग ससोना प्यारो श्री कृष्ण राधा नामिनी दुनिया अभिरामिनी हरि प्रिय स्वामिनी प्यारी श्री राधे राधा नामिनी दुनिया अभिरामिनी हरि प्रिय स्वामिनी प्यारी श्री राधे हरे 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 श्री कृष्ण हरे 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 श्री कृष्ण जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे हरे राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा ओ जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय श्री कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय राधे राधे राधिके 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 जय राधे 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 राधिके जय 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 राधे ना कछु किया न कह सकूं, ना कछु कहने योग्य, जो कछु किया हरि आपने, हरि आप ही कहने योग्य, जो कछु किया हरि आपने, हरि आप ही करने योग्य। ब्रजलता तर बैठ कर पल भर करूं विश्राम, ब्रजरज मुख में डार कर सब बोलो श्री राधेश, सब बोलो श्री राधेश, सब बोलो श्री राधेश। कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म चिदानंद आनंद कंद ब्रज जन्नंदन देवकी नंदन वसुदेव नंदन भगवान मुकुंद श्री कृष्ण, जिनके संग श्री किशोरी जो युगल छवि के श्री चरणों में हम सबका कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। उनसे हमारी प्रार्थना के सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में वो अपना स्थान ग्रहण करें। इस स्थान की आदि देवी स्वयं मां मनसा देवी, जिनके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। उनसे हमारी प्रार्थना के सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में अपना स्थान ग्रहण करें। सभी देवी देवताओं के श्री चरणों में हम सबका कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। सबसे हमारी प्रार्थना के सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में सब अपना स्थान ग्रहण करें। इस स्थान के ग्राम देवता, स्थान देवता, क्षेत्रपाल देवता, सबके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। सबसे हमारी प्रार्थना के सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में सब अपना स्थान ग्रहण करें। सभी संत वृंद, आचार्य वृंद, ब्राह्मण वृंद सबको प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी भाइयों बहनों माताओं, मेरे गोविंद के बाल स्वरूप उन बालकों के मन हृदय मंदिर में विराजमान श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए बोलो श्री सर्वेश्वर भगवान की जय, श्री राधा माधव भगवान की जय, श्री निम्बारक भगवान की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय, जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय, बोलो भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कृपादायिनी, दयादायिनी, भाग्यदायिनी, मंदाकिनी, श्रीमद्भागवती गंगा, इस पवित्र व पुण्य फलदायी मंदाकिनी गंगा में अवगाहन करने के लिए हम और आप सब आज श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य दिवस में स्वयं किशोरी जी की ही गोद में आके आज फिर विराजमान हुए। वो जीवन धन्य है, वो मानव धन्य है, जिसने अपने इस पवित्र प्यारे प्राणों को राधा रानी के चरणों में लगाया, किशोरी जी के चरणों में लगाया। कहते हैं जीवन में भक्ति की पराकाष्ठा कब होती है, जीवन में भक्ति का संचार कब होता है। भक्ति केवल उसी के जीवन में आ सकती है जिसने जीवन में विनम्रता को धारण किया हो। भक्ति महारानी का सिंहासन विनम्रता का है, अर्थात विनम्रता के सिंहासन पर बैठकर भक्ति महारानी आती है। भक्ति का संचार स्वयं मेरे ठाकुर जीवन में करते हैं। और इस भागवत से बड़ी भक्ति, ये यूं कहें कि भक्ति और प्रेम का अगर सामंजस्य कहीं पर हमें दिखलाई देता है तो वो केवल भागवत में दिखलाई